नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आज के हमारे गेस्ट जो कि एंटरप्रेन्योर है, सोशल वर्कर है, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिला है। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं उनके बारे में और उनका नाम है राजेश ठक्कर। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप एक बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो हमारे दर्शकों को आपके बिजनेस के बारे में बताइए। बिजनेस में बचपन से बिजनेस में लगा हुआ हूँ। आज छोटा था तब से अंकल की दुकान पे जाना, वहाँ बिजनेस करना, बिजनेस सीखना, तो वहाँ पर रेगुलर हमारे नटबोल्ट्स, मेरा बिजनेस है नटबोल्ट्स का। हाँ। तो रोज के 8-10 कस्टमर रोज रिटर्न होते थे, तो नया बिजनेस क्या डेवलप करना, तो एक नटबोल्ट का होलसेल डिपो डाल दिया। ओके। तो और जिसको ही ग्रोथ करते करते आज ऐसे मुकाम पर हम पहुँच गए कि आज कंपनी मेरी ISO बन गई है, हमारा मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, आज अलग अलग ओमान कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारा माल एक्सपोर्ट भी होता है। जो इसके लिए मेरे बेटे ने बहुत ही मुझे साथ दिया, पढ़ाई करते करते मेरा बेटा मेरे साथ में आया हुआ है और उन्होंने ये सब काफ़ी सारा एक्सपांड किया हुआ है। तो आज जो कंपनी का नाम हो गया हमारा, मेरे कंपनी का नाम नटबोल्ट सेंटर हर जगह रजिस्टर्ड हो गया है। और आपने जैसे बोला है आप बचपन से आपको बिजनेस करना अच्छा लगता था, तो श्योर आई मस्ट टेल के दर्शकों के ये गुजराती होंगे बाय बर्थ के, एज ए बिजनेस उनके खून में रहता है, जैसे हर लोग बोलते हैं ऐसे करके, और इसीलिए बचपन से उन्हें बिजनेस में जाना अच्छा लगता है। मैंने सुना है आपने बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, लोगों की सेवा की है, तो आपको ये सारी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये जिंदगी में हर एक की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है कि कुछ न कुछ टर्निंग होता है, तो एक टर्निंग पॉइंट मेरी भी लाइफ में आया कि ऑल ऑफ सडन एक दिन मुझे पैरालिसिस का अटैक आया, जो कि मैं कंप्लीट व्हील चेयर पर आ गया था, खड़े होने की उम्मीद नहीं थी। और ऐसी माहौल से मैं गुजरा हूँ जिसमें मुझे अपने परिवार का इतना साथ मिला, मेरे बेटे का, मेरी वाइफ का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तब ऐसा लगा कि जब ऊपर वाले ने मुझे यह नया जीवन दिया है तो नया जीवन का कुछ मुझे करना चाहिए। तो वो राबर पर ऐसे निकल के कितने ऐसे ज़रूरतमंद है, कितने लोग हैं जिसे हमें मदद करनी चाहिए, ये हमारी लाइफ का नहीं तो मतलब क्या है। खाते पीते तो सब लोग आते और जाते भी है, जो आए उसका जाना निश्चित है, मगर कुछ करके जाएंगे तब बनेगा। तो उसके लिए जो भी जरूरत वाले अच्छे काम के साथ खड़ा रहना एक जीवन का मकसद बना दिया। और वो चलते चलते कहते फिर तो क्या कि जो राह पे आप चलते हो वो राह पे काफिला बन जाता है आपका। हाँ, सही बात है। तो वैसे करते करते काफ़ी सारे सोशल नेटवर्क में जुड़ते गए और ऐसा लोगों का साथ मिला है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा हाथ में लेते जो पूरा होके ही छूटता है। दर्शकों, बहुत बार हमने देखा हुआ है कि जिस लोगों को सेकेंड चांस या सेकेंड लाइफ मिलती है उनकी लाइफ की वैल्यू उनको पता रहती है। तो जैसे बोलते हैं ना, स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं फिर वो लोग बाउंस होते हैं, तो ऐसा ही होता है। वो लोग उसने बड़ी मुश्किल से वो लोग उस दौर से गुजरे हैं, तो वो लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं आफ्टर रिकवरी, और उन्हें चाह रहती है कि हमें कुछ करना है, लोगों के लिए भी करना है और आगे भी बढ़ना है ऐसे करके। और ऐसी ही इंस्पिरेशन स्टोरी हमें बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते जाते हैं। और हमारा आपके ये थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बहुत सारे ग्रुप में मेंबर्स में एक्टिव मेंबर है और फ्रंट लाइन काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें में लोगों को भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे? कभी कोई चीज़ फ्रंट लाइन में नहीं होती, हर चीज़ हमेशा टीम वर्क में होती है। जो टीम आपके साथ नहीं रही तो कोई कुछ नहीं कर, जिसे कहते हैं ना सेनापति कितना भी अच्छा रहेगा उसकी सेना अच्छी नहीं रहेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी टीम वर्क के लोगों के साथ ही एक दूसरे के साथ मिल जुड़ के काम करते हैं। अब ना मैं अकेला कुछ करता हूँ लोगों के साथ के बिना, तो आज लोग जो भी चीज़ है एक टीम वर्क है हमारी, सब लोगों की एक नेटवर्क है, एक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से लोगों तक हम पहुँच पाते हैं। दर्शकों, ये बात सही है, और एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने टीम वर्क को ही ज़्यादा वैल्यू देता है। जो मैं आगे चल के जाऊँगा वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं, और वो हमेशा अपनी टीम को ज़्यादा श्रेय देता है और ज़्यादा उन्हें आगे करने की कोशिश करता है, एंड वो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं बात से सहमत हूँ कि आप इसीलिए इतने सारे ग्रुप में, अच्छे अच्छे ग्रुप में आप आगे से काम करते हो और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले गए हैं, और आपको कैसा महसूस होता है? ये अवार्ड की बात रही तो अवार्ड से क्या कि तुम्हारी आपकी जिम्मेवारी बढ़ाता है हमेशा। हाँ। आज समाज जो आपको देता है
समाज ने आपको काफ़ी कुछ दिया हुआ है, हाँ, तो उसके बदले में आप जो दे रहे वो कुछ भी नहीं, और देखिए आपकी जिम्मेवारी और बढ़ा रहे कि आपको और भी कुछ अच्छा करना है और कुछ आपसे गलत ना हो, वो अवॉर्ड देके आपको एक प्रेरणा मिलती है, एक लोगों को ये मिलता है कि एक स्टेप मुझे और आगे करना है और भी कुछ अच्छा करो। अवॉर्ड आपकी जवाबदारी हमेशा बढ़ाते के रखते हैं कि हमेशा अच्छे करते रहो, ये अवॉर्ड उसके लिए आपको दिया गया है। हाँ। राजेश जी, हर एक इंसान की जिंदगी में एक बैकबोन होता है, आज जैसे आपने बताया कि आप अकेले नहीं हो, मेरी पूरी टीम है और आप अपनी पूरी टीम को श्रेय देते हो, लेकिन एक ऐसा भी एक व्यक्ति होता है जो आपके बैकबोन जैसा वर्क करता है, आपके साथ हर कार्य में आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है? आप बहुत सही जा रहे हो और बहुत ही सही सवाल पूछे आपने कि हर एक जिंदगी में कोई ना कोई होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता है। मैं खुले स्वीकार करता हूँ कि हम मेरी लाइफ में ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम है श्री जीतूभाई मेहता, जिन्होंने हर मोड़ पे मुझे गाइडेंस दिया है, मेरे मेंटर बने हुए और बड़े भाई जैसा साथ दिया है कि कहीं भी अटकने नहीं दिया है। हाँ। कोई भी मुश्किल आए तो उन्होंने तुरंत ईजिली रास्ता कैसे निकलना कि कहीं आप अटक नहीं जाओ और भटक नहीं जाओ। हाँ। ये जो रास्ता उन्होंने दिखाया हमेशा कि कोई भी मुश्किल आए तो कैसे स्मूथली निकल जाना या तो मुश्किल इसको कैसे बाईपास करके आगे बढ़ना, तो उसके लिए उसका पूरा क्रेडिट मैं हमारे जीतूभाई मेहता को देता हूँ। दर्शकों, जीतूभाई मेहता बहुत ही एक्टिव पर्सन है जो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है, वो इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं थाना में और घाटकोपर में, मुंबई में, ही इज़ अ नोन पर्सन और वो बहुत ही लोगों को हेल्पफुल रहते हैं। वे बात तो मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि वो बहुत एक्टिव रह के उन्हें बहुत काम में सहायता करते हैं। रियल इज़ ए जेम पर्सन कि उन्होंने जो हिसाब से लोगों को, काफ़ी लोगों की हिसाब मदद की है, जो एक को मदद करने के बाद दूसरे को मालूम भी नहीं पड़ता, जैसे हमारे मुकावत में कि दाएं को दो बाएं को भी मालूम नहीं पड़े। हाँ हाँ, सच्ची बात है, सही बात है, ऐसे उनकी हमेशा रही है जिंदगी और वो खुद भी आगे बढ़ते हैं और वो लोगों को भी आगे बढ़ना, सबको साथ में और सबको साथ में लेके चलते हैं। हाँ, और सबको साथ में लेते हैं। राजेश जी, आपकी कोई सीक्रेट टैगलाइन है जो हमारे दर्शकों को आप कहना चाहते हो, उनको एक मोटिवेशन मिले उनकी लाइफ के लिए? जो आप टैगलाइन कहना चाहते हो या जिसे एक अच्छा सेंटेंस बोला जाए, अरे जिंदगी की हकीकत यही रहती है कि अगर कोई हर कोई इंसान समझ सके कि लोग प्रभु सेवा करते हैं सब, मगर वो प्रभु नीचे नहीं आते, मगर मानव में जो प्रभु रहा है उनकी सेवा करो तो वही सही प्रभु सेवा है। जो बोलते हैं ना जीवन मंत्र, मानव सेवा इस प्रभु सेवा। वो बात तो बिल्कुल सही है दर्शकों, कि हर इंसान में हम प्रभु को देखें और उनकी मदद करें तो वो भी आगे बढ़ पाएगा, हम भी आगे बढ़ पाएंगे, पूरा समाज आगे बढ़ पाएगा। राजेश जी के साथ इतनी अच्छी बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा हो, आपको कोई भी सवाल हो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। बाय।